हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आवाज नहीं आई पहनगी, कम कर दे, तीन तीन या दो पे कर दे। चल, मौसम तो ठीक ही है। आज तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा, ठीक नहीं है। इट्स रियली 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 अमेजिंग। मतलब आज का वेदर देख के तो हमने प्लान बनाया। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग कैसे हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे बताते हो, और मुझे अच्छा लगता है सुन के कि आप लोग बहुत अच्छे हो। तो हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बता दें, टाउन। तो हम जा रहे हैं टाउन। आपको याद होगा, मैं अगर आप मेरी वीडियोज़ को रेगुलरली देखते हो तो, कि मैंने बताया था बाबू का बर्थडे आने वाला है। तो उसका बर्थडे है 19th of August। तो हम जा रहे हैं आज टाउन शॉपिंग करने के लिए। तो सडनली प्लान बन गया क्योंकि आज का वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो ये देखो, रेडी हो रही है, मश्कारा वगैरह लगा रही है, और अभी अभी जस्ट नहा के आई है। और मैं तो नहा ली, मैंने अभी सनस्क्रीन लगाया। मैंने सनस्क्रीन की क्लिप तो ऐड की, बनाया था मतलब वीडियो पर, वो मिस होगी। तो मैं भी थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, इन बाल तो ओपन करूँगी। कौन सी, गुड वाइब्स की सनस्क्रीन लगाई है? काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हो आपको ये, मतलब कैसे स्किन ऐसे ना हो रही है। बट ये सच बताऊँ तो थोड़ा सा वाइट कास्ट छोड़ती है, बट थोड़ी देर के लिए छोड़ती है, फिर सडनली ना गायब हो जाती है। तो इसमें मैं कैमरा सेट कर देती हूँ एंड मैं भी थोड़ा रेडी हो जाती हूँ। मेरे हाथ ही में तो है मास्क, ये लगा लिया, काफ़ी लाइट वेट है। कौन सा है, एनवाई पे लगा लिया, अच्छा लगा मुझे ये। सो गाइस, मैं तो रेडी हो चुकी हूँ। मैं बाहर चलती हूँ, पता नहीं रोशनी क्यों नहीं बन रही। रोशनी क्यों नहीं बन रही, तो क्या बोलती हूँ, है कंफ्यूज रहती है। बाल तो नहीं बनाए, बाल ठीक लग रहे हैं, ऐसे ना मौसम कितना अच्छा रहा है। सो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड हम जा रहे हैं टाउन। तो आज हम करने वाले शॉपिंग एंड मैं पूरा प्रॉपर व्लॉग भी बनाऊंगी। एंड मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। एंड फुल टू रेडी हो चुकी हूँ, कितना ही करना होता है और कितना करना होता है। थोड़ी सी स्किन वाइट हो रहा है बिकॉज ऑफ सनस्क्रीन, बट ये ऑलमोस्ट आई थिंक 5 मिनट के अंदर स्किन में ऑब्जर्व हो जाएगा एंड देन स्किन नॉर्मल लगेगी एंड अच्छी लग रही हूँ मैं, मुझे लग रहा है। चलते हैं मार्केट एंड आपको आज स्ट्रीट शॉपिंग दिखाऊंगी। तो प्लीज़ ब्लॉग को कंटिन्यू देखना एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना अगर अभी तक विजिट नहीं किया तो। कुछ नहीं, बहुत अच्छा लिखेंगे। यस बाबू से पहले हाय। तुमने बाल ऐसी जा होगी, चले इसको रेडी कर लेना नीचे। तो इसको रेडी कर देते हैं, मैं तो रेडी हो चुकी हूँ शूज पहनने। तो यस जबरदस्त हो रहा है, तो चलते हैं नीचे एंड व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। एंड आज जो भी करेंगे, मतलब बाजार जाऊंगी, फर्स्ट टाइम बाहर की, मतलब बाहर व्लॉगिंग करूंगी। तो देखते हैं किस टाइप का हो पाता है, मुझसे ट्राई तो पूरा करूंगी अच्छे सा अच्छा करने का। एंड जो कुछ भी लूंगी और आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। तो नीचे चलते हैं, डर लगता है। मैंने ना मतलब ट्राइपॉड स्टैंड पे लगा रखा है फोन, तो काफी ज्यादा डर लग रहा है फोन ना गिर जाए मेरा। तो रेडी तो हो गई मैं। सो गाइस, हम फर्स्ट ट्राई पे आ गए हैं एंड हम देख रहे हैं अगर हमारे लिए कुछ पसंद आ गया तो। प्लाजो है, हम आ चुके हैं यहाँ पे, देखते हैं बाबू की कुर्ती बहुत अच्छी लग रही है। हम कुर्तियाँ वगैरह देख रहे हैं, कोई कुर्तीज वगैरह अगर हमें कुछ पसंद आएगी तो हम जरूर लेंगे बाबू के लिए। तो देखते हैं आपको कुछ पसंद आए तो। हमें यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस वगैरह है, देखेंगे हटना। हाँ, मिरर नहीं है क्या? हाँ, ये आपके बच्ची है। तो गाइस, ये डंगरी वगैरह मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही है एंड इट्स लुक आल्सो वेरी नाइस। इसमें काफी ज्यादा अच्छा लगा, 499 फ्लैट 10% होता है, 10% कौन सा ज्यादा होता है। तो गाइस, हम आ चुके हैं लिफ्ट के अंदर। बाबू ये नीचे जाएंगे, बाबू का रिएक्शन फर्स्ट टाइम ही। बाबू कैसा लग रहा है?
अभी अभी की थी अपने, अभी अभी की है। लिपस्टिक लगी हुई दिखाई? नहीं दिखाई, नहीं दिख रहा। रिमूव करो, रिमूव कर लो। मैं ऐसे दिखा देती हूँ कि कैमरा ऑफ था। हाँ ऐसे बोल दो। तो गाइस ये कैमरा राव्या ने इधर ऑफ कर दिया था और मेरी ओनली जो है लिपस्टिक बची थी, कच्ची लिपस्टिक की, वो आप देख सकते हो कि मैंने येलो लिपस्टिक। तो गाइस हम घर आ गए हैं एंड घर पे आती ही मैं जिस कंडीशन में होती हूँ मैं उस कंडीशन में आ गई हूँ एंड मैं आपको बांधने दिखाऊंगी हम क्या लेके आए थे मार्केट से। कैसे मैसेज कर रही है, एक में डाल दिया तूने, गिरी गया। हम छोले भटूरे लेके आए थे, हम छोले भटूरे खाएंगे, बहुत तेज भूख लग रही है। मार्केट में कुछ भी नहीं खाया, ओनली जूस पिया था हमने, वो भी बाबू को प्यास। हाँ जो बाबू ने पिया था वो भी बेचारे ने डोल ही दिया था, पिया भी नहीं था। स्कूट से मम्मी से बात कर रही है एंड मेरी मम्मी भी आने वाली है रिश्ता लेकर। अब रात की हो रहे हैं 7:30 या 8 o'clock, आई थिंक 8 o'clock ही हो रहे हैं एंड इसको दो दिन से पार्सल रिसीव हुआ है और अभी हम जा रहे हैं इसकी शॉर्ट वीडियो बनाने। और मेरा फोन आ गया ना तो आज के लिए मेरे फोन से कुछ नहीं कर रही है। अब मैं एकदम सिंपल फेस हो अभी जाऊंगी, स्किन केयर करूंगी एंड आपने जो बोला था मैं वो रेडीमेड भी अप्लाई करती हूँ जो आपने मुझे बताया था, उससे मेरे थोड़े से पिंपल्स कम हुए हैं, ज़्यादा तो नहीं हुए, अभी भी है पर थोड़े से कम हुए हैं। एंड एक मुझे रावा की मम्मी ने बताया था आप एलोवेरा जेल में ना विटामिन ई की कैप्सूल ला के लगाया करो, उससे भी बहुत फर्क पड़ा है मुझे। हम ओपनिंग करने जा रहे हैं एंड उसके बाद हम बनाएंगे खाना और हम लेके आए मोमोस, लेके आए बाबू के लिए, मैं मोमोस लेके आई हूँ, चाउमीन भी लेके आई थी, सब कुछ खा पी लिया। मैंने सोचा था मैं ना व्हाट्सएप ईट में दिखाऊंगी और चट करने के बाद याद आया कि मैंने बनाया ही नहीं वीडियो। तो सर ओपनिंग हो चुकी है एंड मैं जा रही हूँ अब थोड़ा आटा गूंदने, थोड़ी बड़ी वाली बहन की हेल्प कर देती हूँ बट मुझे चाय पीने का भी मन कर रहा है, बट इतनी रात को चाय पीऊँ या ना पीऊँ, चलो देखते हैं, पी भी लेते हैं क्या करता है पीने में, चाहे तो कभी मर्जी पी लो। एंड मुझे यार कोई मेरे को एक कमेंट में एक दिन आपने बोला था कि मैं सारा दिन अपने फेस पे हाथ रखती रहती हूँ या ऐसे 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 करती रहती हूँ, मेरी आदत पड़ी है यार, हैबिट हो नहीं होती किसी चीज़ की, जैसे पाल पकड़ो ये पकड़ो वो पकड़ो, तो मैं जब भी व्लॉग बनाती हूँ ना तो मेरे फेस वगैरह पे ना हैंड वगैरह जाता ही रहता है पता नहीं क्यों। तो मैं अब जा रही हूँ किचन में एंड आटा गूंथ लेते हैं एंड अब आटा तो क्या दिखाऊंगी आपको, आटा गूंथ लेते हैं एंड मैं बाबू का ड्रेस दिखा देती हूँ आपको कि हम बाबू के लिए क्या क्या लाए थे मार्केट से। तो हम लेने तो बहुत कुछ गए थे, जैसे क्राउन वगैरह लेना था हमें एंड स्टिक भी लेनी थी, जैसे परियां नहीं लेती जैसे स्टिक भी लेनी थी बट वो भी नहीं मिला। तो हमने ये दो ब्रेसलेट लिया था जैसे बच्चों के, तो वो एक एक हाथ में पहन लेगी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा था। वैसे नॉर्मल सा है, सिंपल सा है, वैसे वो पहनती नहीं है और मुझे पता है पहनेगी भी नहीं, घुमा देगी, इसलिए हमने सिंपल सा लिया था एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे प्यारा लगा था। एक ये लिया था, ये हमें पड़ा था 120 रुपीज़ का एंड 120 रुपीज़ की मतलब ईच का प्राइस 60 रुपीज़ है तो दोनों 120 रुपीज़ का पड़ा था हमें। एंड एक ये ड्रेस हमें काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगी थी, ये वाली ड्रेस मैंने आपको दिखाई भी थी, बहुत ज़्यादा कैमरे में काफ़ी लाइट दिख रहा है, ऐसे लाइट बेबी पिंक सा नहीं होता वैसा सा कलर है। एंड ये 1700 रुपीज़ का था, अभी मैं आपको पीछे से भी दिखा दूंगी आपको कैसा लगे ताकि आप पूरा आइडिया बन जाए। और काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रही थी, डोल सी लग रही थी वो पहन के, दिखाना मैं अभी तक ये देखो कितना प्यारा लग रहा है लाइट की वजह से, लाइट की दिखता नहीं है ना। और पता है क्या हुआ, जैसे इसने लगा रखा ना तो इसके पूरा पूरा है, थोड़े से नीचे से लेग्स जैसे एज थोड़े फ्रॉक में रह जाते वैसे, तो इसने वहाँ पे लगाया ना, इसने बोला था तो इसने बोला कि तो मेरे भी आ जाएगा, तो बाबू कहते तू ये पहन लेना मैं कुछ भी नहीं पहनूंगी, तो हमें बहुत हंसी आई। तो बाबू कहे आपके है ना, तो ये बाबू का है, आज स्कूल भी नहीं गई ड्रेस के लिए, अब इसके 2-3 आइटम रह गए जैसे सैंडल वगैरह लेके आना है तो वो मैं कल लेके आऊँगी। और आज बहुत ज़्यादा तगड़ी बारिश हुई है, मैं ना स्कूटी में मतलब मैं आपको क्या बताऊँ मैं कैसे आई हूँ, मतलब इतनी ज़्यादा लिटरली इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी ना, आने का भी जगह नहीं था, बट मैं धीरे धीरे आई हूँ मतलब चला चला के, मुझे लगा मैं घर ही नहीं आ पाऊँगी आज ट्यूशन से, तो मैं कल जाऊँगी मार्केट एंड थोड़ा व्लॉग आपको कल भी देखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।